आमतौर पे देखा गया है कि ये जो राजनीति है, ये राजनीति मतलब ये कहा जाता है कि इसमें परिवारवाद काफी है, भाई भतीजावाद है, तानाशाही है, पूंजीपतिवाद है। और राजनीति मतलब एक लोकतांत्रिक तरीके से किसी पार्टी में लोकतंत्र नहीं दिखता है। जैसा आपने भी कहा कि मतलब आप, हमारी जो लड़ाई है, आपकी जो लड़ाई है, ये लड़ाई बेसिकली दो ही पार्टियों में, आज वैचारिक लेवल की जो पार्टियां है उसमें है, एक तो है बीजेपी और दूसरी है पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक। तो ये जो परिवारवाद, भाई भतीजावाद एक तरफ क्षेत्रीय पार्टियों में बहुत ज्यादा पैमाने पर दिखाई पड़ता है, और जो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी जैसे बीजेपी है उसमें इस तरह का परिवारवाद या भाई भतीजावाद नहीं दिखाई पड़ता है। तो ये जो क्षेत्रीय स्तर पर पार्टियां होती है, इनमें जो ये भाई परिवारवाद, भाई भतीजावाद, तानाशाही, पूंजीपतिवाद होता है, इन सारी पार्ट एस्टेब्लिश जो क्षेत्रीय पार्टियां है, इनको जब बेसिकली ये इनके साथ में बेसिकली आपका मुकाबला है, तो ये इन सारी चीजों को, ये क्षेत्रीय स्तर पर जो ये मतलब फैमिली ओरिएंटेड और जो डेमोक्रेटिक न होना और तानाशाही होना, अकेले का ही पार्टी में वजूद होना, इन सारी चीजों का क्या कारण है ऐसा आपको लगता है? भारत के संविधान में बाबा साहब ने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी दी है, और डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि कोई भी जो निर्णय लेना है, डेमोक्रेसी का मतलब ही ये है कि डिसीजन लेने की जो प्रक्रिया है, कोई एक व्यक्ति डिसीजन नहीं लेगा, राष्ट्र के लिए ही, देश के हित में जो निर्णय लेना होता है वो रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी, ये इनका जो रोल है, और वो दोनों मिलके एक सही निर्णय देश के लिए उनको लेना होता है। अगर उन्हें उन्हें कानून बनाना है तो दोनों ने मिलके एक सही किस्म का कानून देश के हित में बनाना होता है। तो जब मल्टीपल प्लेयर्स है हमारे देश में, तो सभी अपोजिशन पार्टियों को ध्यान में रख के उनका उनका साथ सहयोग लेके देश के हित में कानून बनाना होता है। जहां तक नीतियां बनानी है देश के हित में, तो उसमें भी जो कैबिनेट है, जो भी मंत्रिमंडल है, वो मंत्रिमंडल के सभी मंत्री उसमें डिस्कशन करके, पार्टिसिपेट करके डिसीजन लेना होता है। दैट इज व्हाट इट मींस बीन ए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सिस्टम, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक गवर्नेंस सिस्टम। तो आप ये देखेंगे कि आज बीजेपी जो है आइडियोलॉजिकल पार्टी है, लेकिन वहां जो डिसीजन लिया जा रहा है, गवर्नमेंट में जो डिसीजन लिया जा रहा है, वो एक आदमी डिसीजन ले रहा है। तो इसका मतलब बाबा साहब ने ये क्लियरली कहा कि जनता के हित में, जनता जो चाहती है, बाबा साहब का 27 अक्टूबर 1951 का स्पीच है, डीएवी कॉलेज में उन्होंने ये स्पीच दिया था जालंधर में, तो उन्होंने ये क्लियरली कहा कि जनता जो चाहती है उस संदर्भ में चर्चा के साथ, उनका इन्वॉल्वमेंट करके, उनके प्रतिनिधि के साथ चर्चा करके ये डिसीजन लेने चाहिए। कोई भी एक व्यक्ति जो कितना भी मतलब होशियार हो, कितना भी ज्ञानी हो, लेकिन डेमोक्रेसी में कोई एक व्यक्ति निर्णय नहीं ले सकता। तो आप ये देखेंगे कि बीजेपी जैसी एक पार्टी है, वो आज एक ही व्यक्ति वहां निर्णय ले लिया ले रहा। तो ऑटोक्रेसी और मोनार्की में क्या होता है? मोनार्की में भी एक ही होता है कि जो राजा है वही डिसीजन लेता है, जनता का वहां इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता। और ऑटोक्रेसी या डिक्टेटरशिप में भी जनता का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, जो ऑटोक्रेट होता है, जो डिक्टेटर होता है, वही निर्णय लेता है। और आज डेमोक्रेसी के नाम पे बीजेपी की जो सरकार है वो भी सिर्फ एक व्यक्ति निर्णय ले रहा है। तो इसका मतलब इस देश में पार्लियामेंट्री गवर्नेंस सिस्टम जो है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम है, उसको बीजेपी ने तहस नहस कर दिया। तो आप दूसरी जो पार्टियां, जो क्षेत्रीय पार्टियां जिसके बारे में आप मुझे सवाल पूछ रहे हैं, तो क्षेत्रीय पार्टियों में भी एक ही व्यक्ति वो पार्टी के लिए निर्णय ले रहे हैं। वो या तो परिवारवाद है उसमें, एक परिवार के लोग ही उसमें इन्वॉल्व है, उसमें भी वो जो परिवार का मुखिया है वही निर्णय ले रहा है। तो ये आप देखेंगे कि ये डेमोक्रेसी के टोटली विरोध में है। परिवारवाद जो है ये डेमोक्रेसी के साथ मैच नहीं खा रहा है। डेमोक्रेसी का मतलब जो है कि पार्टिसिपेशन में देश के हित में निर्णय लेना होता है, वेदर इट इज ए कैबिनेट डिसीजन, वो भी पार्टिसिपेशन से होगा, और वेदर पार्लियामेंट में डिबेट डिस्कशन से होगा, लेकिन डेफिनेटली और पर्टिकुलरली डिस्कशन से ये होता है। परिवारवाद जो है, कोई एक परिवार का एक व्यक्ति
वो निर्णय लेता है संपूर्ण राज्य के लिए, पूर्ण राष्ट्र के लिए, तो वो एक्चुअली डेमोक्रेसी से कंपेटिबल ही नहीं है। और इसलिए ये परिवारवादी पार्टियां है, ये रिस्पॉन्सिबल है, जो ऑटोक्रेटिक पार्टियां है, जो डिक्टेटोरियल पार्टियां है, जो परिवारवाद पार्टियां है, ये एंटी डेमोक्रेटिक है। और इसलिए ऐसी पार्टियों को वास्तव में जो इलेक्शन कमीशन है उन्होंने इमीडिएटली डीरेकग्नाइज करना चाहिए। और ऐसा पास्ट में हुआ है, जब एक बीएसपी ने एक अपने बॉडी बनाई थी और वो बॉडी बाय नॉमिनेशन बनाई थी, तो इलेक्शन कमीशन ने उनको क्वेश्चन किया था कि भाई आप अपने मिनट्स भेजिए, आपने अपना जो पार्टी बनाई है, जो बॉडी बनाई है, वो बॉडी आपने डेमोक्रेटिकली इलेक्ट किए है या नहीं किए, और अगर कोई नॉमिनेट किए है तो वो अलाउड नहीं है। तो एक्चुअली ऐसी जो पार्टियां है, जो डिक्टेटोरियल पार्टियां है, जो परिवारवादी पार्टियां है, ऐसी पार्टियों को इलेक्शन कमीशन ने डीरेकग्नाइज करना चाहिए। जहां तक बीजेपी का सवाल है, बीजेपी को भी डीरेकग्नाइज करना चाहिए, क्योंकि वहां भी एक एक व्यक्ति सिर्फ पार्टी के लिए निर्णय ले रहा है, एक व्यक्ति देश के लिए निर्णय ले रहा है, तो इलेक्शन कमीशन ने उनको भी डीरेकग्नाइज करना चाहिए। और जितनी भी परिवारवादी पार्टियां है, जितनी भी ऑटोक्रेटिक पार्टियां है, उनको, क्योंकि उन्होंने लिख के दिया है, उसका एक फॉर्मेट है इलेक्शन कमीशन, मतलब आप अपने मनमानी हिसाब से आपकी पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लिख सकते, और उसमें जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है वो इसेंशियली पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूडेड है। अब ये इलेक्शन कमीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन में तो वो डेमोक्रेटिक लिख के देते हैं, लेकिन अगर वो प्रैक्टिस ऑटोक्रेटिक करते हैं, अगर प्रैक्टिस डिक्टेटोरियल करते हैं, तो ऐसी पार्टियों को जो एविडेंसेस के आधार के ऊपर डीरेकग्नाइज करना चाहिए, और इसमें बीजेपी को डीरेकग्नाइज करना चाहिए, आरजेडी को डीरेकग्नाइज करना चाहिए, और जेडीयू को डीरेकग्नाइज करना चाहिए, और देश में ऐसी जितनी भी पार्टियां हैं, क्योंकि उन्होंने इलेक्शन कमीशन को एक चीज लिख के दिया और कर रहे दूसरी, इसलिए इनको ऐसी पार्टियों को डीरेकग्नाइज करना चाहिए जो पार्टियां सही मायने में अपनी फंक्शनिंग, अपनी पार्टी फंक्शनिंग भी डेमोक्रेटिक है, ऐसी ही पार्टियों को इलेक्शन कमीशन ने उनका रिकॉग्निशन बनाए रखना चाहिए और तोड़ देना चाहिए।